तो ये म्यूजिक सिस्टम है, इसमें ब्लूटूथ मिल जाता है, एफएम रेडियो मिल जाता है, और MP3 भी इसमें बजा सकते हैं। जो लॉन्ग ड्राइव लोग करते हैं और म्यूजिक के भी शौकीन है, वो अपनी बाइक में इसको फिट कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सिस्टम क्या क्या है। ये रिमोट कंट्रोल है, जिससे कि हम MP3 मोड या FM मोड, वॉल्यूम को लो करना, हाई करना, ये सब कर पाएंगे। कैसे फिटिंग होगा ये हम वीडियो में जानेंगे। इसको फिट करेंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे, बजाएंगे, देखेंगे कहाँ तक ये अच्छा है। तो अब इसका जो बात प्राइस का करें, तो इसकी प्राइस 1,900 रुपया कुछ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसको फिट करने के लिए यहाँ पर ब्रेकेट लग जाती है, ब्रेकेट को कैसे लगाना है वो भी आपको बता देंगे। ब्रेकेट दो डायरेक्शन में लगेगी, या तो आप ब्रेकेट को ऐसा लगा सकते हैं या फिर इसके अपोजिट लगा सकते हैं ऐसा। तो ये दो तरीके से इसके अंदर ब्रेकेट लग जाती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर, एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं, SD कार्ड कहाँ पर लगेगा इसका, जिसे हम मेमोरी या चिप बोलते हैं। तो यहाँ पर लगता है इसका SD कार्ड। तो एक बार इसको हम आपको ओपन करके दिखा रहे हैं। पीछे देखिए इसमें स्पेशल स्क्रू लगते हैं, जो कि किट में मिल जाते हैं। यहाँ एक बार ये किट लेने के बाद आपको कोई भी चीज़ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, सब इसके अंदर किट में रहता है। यहाँ पर देखिए रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए SD कार्ड लगेगा इसके अंदर, जिससे हम MP3 इसे प्ले कर सकते हैं। SD कार्ड के लिए आपको इसके अंदर SD कार्ड को प्रेस कर देना है। अगर आप SD कार्ड निकालना चाहते हैं तो एक बार फिर प्रेस करेंगे, SD कार्ड बाहर आ जाएगा। तो ये सिस्टम हो गया। इसकी वायरिंग कैसे करनी है वो आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट एंड रिवर्स का म्यूजिक का बटन मिल जाता है, और यहाँ पीछे देखिए इसका एंगल भी है हमारे पास, जो कि किट में है। और इसको फिट करना है, फिट करने के बाद इसको सुनेंगे, इसकी म्यूजिक आवाज़ कितनी है, मतलब अगर आप फास्ट बाइक चला रहे हैं तो भी सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं। तो इतनी आवाज़ तो इसमें रहती है कि अगर आप बाइक फास्ट चला रहे हैं तो भी सुन सकते हैं। क्लिप को हमने एक दूसरे, जो ब्रेकेट है उनको एक दूसरे के अपोजिट में फिट किया हुआ है, क्योंकि हमको इसको मिरर में फिट करना है। जहाँ पे मिरर योग में टाइट होता है वहीं पर इसको रख के और मिरर को टाइट कर देना है। उसके लिए एक दूसरे के अपोजिट होना ये ज़रूरी है, ताकि इसकी जो फिटिंग है वो अच्छे से हो सके। तो इसको चलिए फिट कर लेते हैं। फिट करने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए ये दो कपलर हैं जो कि स्पीकर के हैं और रिमोट के हैं, एक दूसरे को अटैच कर देना है। यहाँ से दो कपलर निकले हुए हैं, देखिए वायरिंग यहाँ से ले जाके, यहाँ दो कपलर लगे हुए हैं जिनमें हमको स्पीकर के कपलर को अटैच कर देना होता है, और कुछ नहीं है। देखिए ये वाले दोनों। उसके बाद आती है अर्थिंग। तो अर्थिंग आप कहीं पर भी दे सकते हैं जहाँ पर आपको बेहतर लग रहा है। तो हमने यहाँ पर इसकी अर्थिंग को दिया है, देखिए यहाँ पर। तो ये अर्थिंग भी हो गया। उसके बाद में इसके मेन वायर को कहाँ पे कनेक्ट करना है वो हम दिखा देते हैं आपको। तो मेन वायर हमने यहाँ पे स्विच में कनेक्ट कर रखा है, और ये वाला, ये वायर जो है जिसमें स्विच ऑन करने के बाद करंट आता है। ये दो वायर होते हैं, इसमें एक में ऑटोमेटिक करंट आता है, एक में स्विच ऑन करने के बाद आता है। तो जिसमें स्विच ऑन करने के बाद आता है उसमें हमने इसको किया है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। Is connected successfully. The radio motor. अभी FM मोड चल रहा है और ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो गया है। एंड में वीडियो की हम अपने मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे SD कार्ड लगा देते हैं, और एक बार इसके म्यूजिक सिस्टम को देख लेते हैं कि म्यूजिक सिस्टम इसमें कैसा है। तो यहाँ पे लगा दिया है हमने SD कार्ड को, यहाँ से रबड़ को लॉक कर देंगे ताकि कोई बारिश में दिक्कत ना हो या पानी ना जाए। तो यहाँ से देखिए फ़िलहाल ऑन हो चुका है ये, और अब देखते हैं इसका म्यूजिक प्लेयर बजा कर। Music play mode. एक ही बज रहे का दोनों बज रहे।
अभी म्यूजिक प्लेयर भी अच्छे से चल रहा है, एफएम भी चल रहा है और ब्लूटूथ भी अपना काम कर रहा है। हमने म्यूजिक पूरा इसलिए नहीं बजाया कि ऐसे वीडियो में म्यूजिक नहीं बजा सकते हैं, ये अलाउ नहीं है। तो अभी क्या करता हूँ, एक बार और म्यूजिक चेक करता हूँ, उसके बाद ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ। अब इसको चेंज करने के लिए इंजन को ओपन करना पड़ेगा कंप्लीट कि नहीं ओपन करना पड़ेगा, ये आप वीडियो में जानेंगे। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, कैसे करना है, इसका क्या प्रोसेस है, आप वीडियो में जानेंगे।